हम सब के इर्द गिर्द कई अजीबोगरीब या वियर्ड किस्म के मोमेंट्स क्रिएट होते रहते हैं। अब कुछ वियर्ड थिंग्स ऐसी हैं जिन्हें कोई भी नहीं देख पाता, तो कुछ ऐसी हैं कि जिन्हें कैमरे का लेंस कैप्चर कर लेता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही वियर्ड थिंग्स के ऊपर बात करेंगे, सो आपके सामने लेकर आया हूँ वियर्ड थिंग्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 2। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक कम्प्लीट जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं इस क्लिप से, जिसमें आपको एक बोट नजर आएगी और समुन्दर का पानी। एक शख्स बोट से समुंदर के पानियों में जैसे ही डाइव करता है, तो वो एक बड़े साइज की शार्क मछली का निवाला बन जाता है। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये वीडियो फेक है, जबकि कुछ का मानना ये है कि ये वीडियो रियल है। दोस्तों, आपके ख्याल में ये वीडियो रियल है या फेक, मुझे अपना जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये डंपस्टर देखिए, जिसमें कूड़ा खुद ब खुद आकर गिर रहा है। वाह, इस बेवकूफ ने सिर्फ एक बैरियर की वजह से अपनी पूरी गाड़ी का सत्यानाश करवा लिया। गाइस, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत किया करें। इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक करें। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे उसका मुझे भी फायदा होगा और आप लोगों को भी। सो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दो और नोटिफिकेशन में ऑल पर जरूर क्लिक कर देना। वो लोग जो ये कहते हैं कि कमोड के अंदर से चूहा बाहर नहीं निकल सकता, वो ये वीडियो जरूर देखें। ये कोई अर्बन लेजेंड नहीं भैया, ये सब कुछ सच है। ये देखिए, अलास्का में एक लिक्विड स्टोर के अंदर एक रीच घुस आया। अब एक कस्टमर ने अंदर दाखिल होते हुए जब इस बेयर को देखा, तो उस बेचारे की तो हालत ही खराब हो गई। स्क्रीन पर आप लोग जिस शख्स को देख रहे हैं, इसका नाम है निकोलस वाइट, और ये साहब एक एलिवेटर या लिफ्ट के अंदर 41 आवर्स के लिए ट्रैप हो गए, यानी कि 41 घंटों के लिए एक लिफ्ट के अंदर बंद। अब इन 41 आवर्स में निकोलस साहब ने क्या किया, वो आपके सामने है। निकोलस के पास ना कुछ खाने को था, और ना ही कुछ पीने को, और ना ही कोई मोबाइल फोन। इस शख्स ने चमकती हुई गाड़ी देखी तो जेलस हो गया। जेलसी में ईंट उठाकर गाड़ी के शीशे के ऊपर मारी, तो ईंट बाउंस होकर इसी के मुंह पर आ लगी। बिल्कुल ठीक हुआ। इस बेचारी लड़की ने सीढ़ियों तक पहुंचना था, और इसके लिए ये छोटा सा फासला अजाब बन गया। ये स्ट्रीट थिन आइस की एक स्लिपरी सी लेयर से कवर थी, और इस थिन आइस की लेयर ने इस लड़की को अपने घर तक नहीं पहुंचने दिया। अंदाजा करें, ये बेचारी लड़की क्रॉल करके रिंग कर भी अपनी डेस्टिनेशन मंजिल तक नहीं पहुँच पा रही थी। ये लड़की इतना सारा जोर सिर्फ एक होटल की लॉबी में रखे हुए सैंड के स्कल्पचर को बर्बाद करने में लगा रही है। अब रेत के बने हुए इस स्कल्पचर से इस लड़की को क्या मसला था, वो तो ये लड़की खुद ही बता सकती है। इस लड़की ने ये पूरा स्कल्पचर बर्बाद किया, अपनी फ्रेंड को कहा कि इसकी इस सारी कारस्तानी की वीडियो भी बनाए, और ये कारनामा सर अंजाम देने के बाद ये दोनों वहाँ से चुपचाप निकल गयी। आई रियली होप ये दोनों पकड़ी गयी हों और इनसे ये रेत का स्कल्पचर दोबारा से बनवाया गया हो। ये आंटी अपने स्विमिंग पूल के करीब खड़ी थी कि अचानक से शदीद किस्म का जलजला आ गया। अब ऐसे हालात में जहां पर लोग अपनी जिंदगियां बचाते हैं, वहां पर आंटी जी को अपने फोन की पड़ गई। ये अपने मोबाइल फोन को सेव करने के चक्रों में लग गईं। आंटी की चीखें सुनकर आंटी के हस्बैंड बाहर आए, और उन्होंने आकर सबसे पहले आंटी के फोन को सेव किया, और उसके बाद आंटी को। ऑब्वियसली आंटी ने खुद कहा होगा कि पहले मेरे मोबाइल फोन को बचा लो, फिर मुझे देखना। बाय द वे, अंकल ने एक टीवी इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि उनके स्विमिंग पूल में से सुनामी वेव्स बाहर निकल रही थीं। आई मीन सीरियसली, सुनामी वेव्स वर कमिंग आउट ऑफ द पूल वर हिटिंग हर। ये देखिए, ताइवान के अंदर एक 140 मीटर यानी के 460 फीट लंबा ब्रिज या पुल अचानक से टूटकर पानी में जा गिरा। इस लड़की ने डिसाइड किया कि टेबल पर चढ़कर वो डांस करेगी और अपने बॉयफ्रेंड को एक सरप्राइज देगी। बेचारी को सरप्राइज खुद ही मिल गया। ये लड़का और लड़की एक एलिवेटर में घुसे। एलिवेटर के अंदर लड़के ने अजीबोगरीब किस्म की शोधियां मारनी शुरू कर दी। लड़की अनॉयड हुई लेकिन चुप रही। फिर जब लड़का जैसे ही एलिवेटर से बाहर निकलने लगा, तो लड़की ने अपनी सारी अनॉयमेंट का बदला उतार दिया। ये दो बंदे दुनिया के लकीएस्ट वर्कर्स हैं। इनकी तरफ जो स्ट्रीम आप लोग आते हुए देख रहे हैं, वो किसी आम चीज की नहीं। ये स्ट्रीम या ये धार है कुबलती हुई मेटल की। इस स्ट्रीम का टेम्परेचर था 1200 सेल्सियस यानी कि 2192 फारेनहाइट। अब सोच लें कि अगर ये स्ट्रीम इन दोनों में से किसी भी एक के जिस्म के ऊपर पड़ जाती, तो उसका क्या हाल करती।
ये मैडम बॉस के ऑफिस से जाने के बाद बॉस की ही कुर्सी के ऊपर आराम करने के चक्रों में थी। वेल, आराम करने की नीयत से ये कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। इस बेचारे बंदे का सारा दिन इस एक बिल्ली ने बर्बाद कर दिया। वैसे ये बंदा दिल का अच्छा है कि इसने पलट कर बिल्ली के ऊपर कोई वार नहीं किया। वैलेंटाइंस डे पर जब इस बंदे को असल गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो अंदाजा कीजिए कि इसने गर्लफ्रेंड किस चीज को बना लिया। ये देखिए, रशिया में एक कौवा एक हैंडबैग के अंदर से पर्स उठाकर रफू चक्कर हो गया। मतलब रशिया के अंदर कौवे भी चोरी करने के लिए मुकम्मल तौर पर ट्रेंड हैं। एक रैंडम कपल ने अपनी नैनी के ऊपर नजर रखने के लिए अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया। उन लोगों ने कुछ ये मनाजिर देखे। उनकी नैनी ने उनके घर को अपना घर समझ लिया। अपने कपड़े भी उनकी वॉशिंग मशीन में धोए, उनके घर में एक्सरसाइज वगैरह भी की, उनकी प्लेस्टेशन के ऊपर गेम्स भी खेली, उनके कपड़े भी पहन लिए और साथ में घर के छोटे मोटे काम भी कर दिए। ठीक लाइफ जी रही है ये नैनी। ये देखिए, ट्रक उल्टा हुआ और फिर ये देखिए कि इस ट्रक में से क्या चीज बाहर निकल कर गिरी। होली काव, मजे की बात इस एक्सीडेंट में एक भी गाय जख्मी नहीं हुई। इस हिरन ने बस में सवार होने का बिल्कुल ही नया तरीका इजाद किया, सीधा विंडशील्ड से अंदर। फॉर्चुनेटली इस सारे हादसे में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा, ना इंसानों को ना ही हिरन को। इस बेर ने सोचा कि क्या रोज रोज आकर कूड़े के ड्रम में मुंह मारना, पूरे के पूरे कूड़े के ड्रम्स को ही अपने साथ ले जाओ, घर पर बैठकर आराम से खाऊंगा। यहाँ देखिए, गाड़ी के ऊपर कुत्तों की एक पूरी फौज ने हमला कर दिया। लाइक गाड़ी, कुत्ते, इस हमले का लॉजिक समझ नहीं आया। एक सबवे स्टेशन के ऊपर रिकॉर्ड होने वाली इस लड़की की अजीबोगरीब हरकतों को नोट कीजिए। अब इस लड़की के जहन में चल क्या रहा था ये तो बताना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये पक्का है कि कुछ अजीबोगरीब ही चल रहा था। और इसी वियर्ड क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको जितनी भी वियर्ड थिंग्स कॉट ऑन कैमरा दिखाई, आपको कौन सी वीडियो, कौन सा क्लिप, कौन सी वियर्ड थिंग सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे इसका फीडबैक भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, वियर्ड, मिस्टीरियस, फनी और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।